तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है आप लोग के उर्दू फॉर बिगिनर यानी कि UFB का पार्ट 16 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन अक्षर से मिलकर बने ऊ मात्रा वाले शब्द, उर्दू के शब्द, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। ये आप लोगों को और भी ज़्यादा तब आसान लगेगा जब आप मेरा इसका पहला वाला वीडियो देखें, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को पूरे तरीके से विस्तार से बताई हूँ, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है, कि कैसे किसी भी अक्षर को ऊ की मात्रा में बदलना है। तो अगर वो देखें तो ये आप लोगों के लिए एकदम हलवा लगने वाला है, और अगर नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे ताकि हर एक एक चीज़ समझ में आए। बस आप लोगों को हमारी बातों को ध्यान से सुनना है और कंसंट्रेशन के साथ हर एक बात को समझना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं तीन अक्षर से मिलकर बने ऊ मात्रा वाले शब्दों को लिख दी हूँ। कुछ शब्द हैं, ठीक, जिसको हम लोगों को उर्दू में चेंज करना है, मतलब उर्दू में पढ़ना लिखना सीखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो शब्द है वो है सूरज। सूरज में पहला अक्षर है वो है सू। तो सबसे पहले आप लोग को यही सोचना है कि सौ को उर्दू में क्या कहते हैं। तो सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, तो यहाँ पर फटाफट सीन लिख दीजिए। ये हो गया आप लोगों का सीन से सौ, लेकिन यहाँ पर है क्या, सू है, यानी कि ऊ की मात्रा में है। तो किसी भी अक्षर को ऊ की मात्रा में बदलने के लिए हम देखते हैं कि वो कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, बड़ा वाला ऊ की मात्रा है कि छोटा वाला ऊ की मात्रा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सू में बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। तो जब बड़ा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के ऊपर पेश लगाते हैं और उसके साथ साथ वाव भी जोड़ देते हैं, तो ये बदल जाएगा बड़ा वाला सू में, ठीक। सीन में वाव और पेश जुड़ कर क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला सू हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद से र है अगला अक्षर, र को उर्दू में रे कहते हैं, और उसके बाद से ज, ज को उर्दू में जिम कहते हैं, लिख दीजिए जिम से ज, ठीक। अब इन सबको जोड़ दीजिए, आसानी से सूरज आप लोग लिख लेंगे। देखिए, सीन का आधा भाग उठाया जाता है, आप लोग जानते हैं ये नौकीदार भाग, तो उठा लीजिए। ये देखिए, सीन से सौ हो गया, बट हमको सू बनाना है, बड़ा वाला सू, तभी तो सूरज लिखाएगा ना। तो सू बनाने के लिए क्या करना है, ये पेश जो है ऊपर लगाना है, और उसके बाद से ये जो वाव है इस सीन में ले जाकर इसे जोड़ देना है। तो देखिए, सीन में वाव और पेश जुड़ कर ये क्या हो गया, बड़ा वाला सू, और उसके बाद से ये जो रे है ले जाकर चिपका दीजिए, और ये जो जिम है, जिम से जो इसको भी ले जाकर चिपका दीजिए। तो देखिए, सीन में वाव और पेश जुड़ कर सू, रे से र, और जिम से ज, सूरज सूरज। कितना आसानी से लिखा गया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अब मैं आप लोग को क्या बताई हूँ कि ये जो पेश है जो ऊपर लिखा रहता है इसको नहीं लिखाया जाता है, इसको मिटा दिया जाता है। मन में माना जाता है कि ऊपर क्या है, पेश है, लेकिन लिखा नहीं जाता है, दिखाया नहीं जाता है, मन में मान लिया जाता है, ठीक। कहीं पर भी आप उर्दू लिखा हुआ देखेंगे, कहीं पर भी ज़बर ज़ेर पेश वगैरह नहीं लिखा रहता है, ठीक। खुद से सेल्फ यूज़ किया जाता है कि वहाँ पर क्या रहना चाहिए, ज़बर रहना चाहिए कि ज़ेर रहना चाहिए कि पेश रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सीन के ऊपर पेश नहीं रहता, तो आप इसको क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले आप सीन के ऊपर ज़बर लगा कर देखते। तो जब ज़बर लगाते तो सीन में वाव जुड़ा हुआ है, सौ हो जाता, और रज सौरज पढ़ाता, तो सौरज का कुछ मतलब, कुछ अर्थ निकलता है, कुछ अर्थ नहीं निकलता, तो इसको हटाइए। नीचे ज़ेर लगा कर देखिए तो सूरज पढ़ाएगा, सूरज का कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप पेश लगा कर देखेंगे, तो जब पेश लगाएंगे तो सीन में वाव और पेश जुड़कर सू और रज सूरज, तो सूरज का अर्थ मतलब समझ में आ जा रहा है, इस शब्द का जो है ना अर्थ निकल जा रहा है कि हाँ सूरज, ठीक। तो जब पेश लगा रहे हैं तब इसका अर्थ निकल जा रहा है, यानी कि सीन के ऊपर क्या रहना चाहिए, पेश रहना चाहिए। इस तरह खुद से माइंड यूज़ किया जाता है, सेंस यूज़ किया जाता है, और किसी भी उर्दू के शब्द को पढ़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए, एक मैं यहाँ पर उर्दू का शब्द लिख दी ऐसे, ज़रा बताइए ये क्या पढ़ा जाएगा। लीजिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग। ये उर्दू का शब्द है, इसमें कहीं पर भी ज़बर ज़ेर पेश वगैरह नहीं है, ठीक। आप लोग को बताना है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि इसको क्या पढ़ा जाएगा, अभी बताइए तुरंत, ठीक। सोचिए ज़रा, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को जो पढ़ा चुकी हूँ, जो नहीं पढ़ाई हूँ वो पूछ रही हूँ, आप लोगों को जो पढ़ा चुकी हूँ, आप पढ़ चुके हैं उसी में से मैं आप लोग को पूछी हूँ। इसमें आप लोग बताइए क्या पढ़ाएगा, फटाफट कमेंट में बताइए। देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कहीं पर भी ज़बर ज़ेर पेश वगैरह नहीं दिया है, तो आप सबसे पहले देखिए, खे में, खे से ख होता है और खे में वाव जुड़ा हुआ है, तो खे पर, खे के ऊपर आप लोग ज़बर लगा कर देखिए। जब खे के ऊपर ज़बर लगाएंगे तो ख पढ़ाएगा और सिन से श, खौश हो जाएगा, तो इसका कुछ अर्थ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि ऊपर ज़बर नहीं रहेगा। ज़ेर लगा कर देखिए, जब खे के नीचे ज़ेर लगाएंगे तो ख्यू हो जाएगा और श, ख्यूश, इसका भी कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि ज़ेर भी नहीं लगेगा। ऊपर पेश लगाइए, जब ऊपर पेश लगाएंगे तो खे में वाव जुड़ा है, पेश खू हो जाएगा और सिन से श, खुश, तो हाँ इसका मतलब समझ में आ रहा है, खुश,
हाँ समझ में आ रहा है। और उसके बाद से बे जुड़ा, बे है और बे में वाव जुड़ा है, तो बे में वाव जुड़ा है, इसके बे के ऊपर आप जबर लगा कर देखिए बौ पढ़ाएगा, खुशबौ तो होगा नहीं। जेर लगा कर देखिए खुशब्यू तो होगा नहीं। बे के ऊपर पेश लगा कर देखिए, तो बे में वाव जुड़ा है और पेश लगा कर बू हो जाएगा, तो खुश और बू, खुशबू। तो देखिए खे के ऊपर भी पेश रहेगा, बे के ऊपर भी पेश रहेगा। तो इस तरह आप लोगों को सेंस यूज़ करना होता है, अपना माइंड यूज़ करना होता है कि कहाँ पर ज़बर ज़ेर पेश वगैरह लगाना है। तो इस तरह आप कहीं पर भी उर्दू लिखा हुआ देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब आगे देखिए, अगला जो शब्द है वो है गूगल। गूगल में सबसे पहला अक्षर देखिए क्या है, गू। तो सबसे पहले यही सोचना है कि ग को उर्दू में क्या कहते हैं, ग को उर्दू में गाफ कहते हैं। तो यहाँ पर फटाफट लिखिए, गाफ से तो ग हो गया, लेकिन यहाँ पर है क्या, गू है। तो गू यानी क्यू की मात्रा में बदलने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, बड़ा वाला कि छोटा वाला। तो ये इस गू में बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो जब बड़ा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर पेश जोड़ते हैं, उसके साथ साथ वाव जोड़ते हैं। तो गाफ में वाव और पेश जुड़कर बड़ा वाला गू हो जाएगा। उसके बाद से फिर अगला अक्षर क्या है, ग। ग को उर्दू में गाफ कहते हैं। फिर उसके बाद से ला, ला को उर्दू में लाम कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए आप लोग जानते हैं गाफ का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये देखिए गाफ का आधा भाग उठा लिए, ठीक। और इसके ऊपर पेश तो है ही है, तो लेकिन हम लोग पेश लिखेंगे नहीं, क्योंकि मैं आप लोग को अभी क्या बताई, कहीं पर भी ज़बर ज़ेर पेश वगैरह नहीं लिखा जाता है। मन में माना जाता है कि क्या है, पेश है ऊपर, या फिर ज़बर ज़ेर वगैरह है, ठीक। तो इस गाफ के ऊपर क्या है, पेश है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, वैसा मन में मानेंगे कि गाफ के ऊपर क्या है, पेश है। और उसके बाद से ये जो वाव है इसी गाफ में ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे, तो गाफ में वाव और पेश जुड़कर गू हो गया, बड़ा वाला गू। और उसके बाद से ये वाला जो गाफ है इसका भी आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, लेकिन ये जो डंटा वाला भाग है यहाँ पर ऐसे गोल हो जाएगा, ठीक, कर्व हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का गाफ से ग, और इसी में ये जो लाम है ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक। तो देखिए गाफ में वाव और पेश जुड़कर गू, और गाफ से ग और लाम से ल, गल, गू गल, गूगल, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, गूगल पर सभी लोग हर चीज़ सर्च करते हैं। देखिए अगला जो शब्द है वो है कुमार। कुमार आप लोग जानते होंगे जो कि नाम के लास्ट में लगता है। तो कुमार को उर्दू में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो देखिए सबसे पहले देखिए कि कुमार में सबसे पहला अक्षर क्या है, कु है, तो क को उर्दू में क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। तो यहाँ पर फटाफट काफ लिख दीजिए, काफ से तो क हो गया। अब कु बनाने के लिए देखिए कि कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, छोटा वाला कि बड़ा वाला, तो इस कु में छोटा वाला ऊ की मात्रा है। तो जब छोटा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के ऊपर सिर्फ पेश लगा देते हैं, तो वो अक्षर छोटा वाले ऊ की मात्रा में बदल जाता है। तो यहाँ पर काफ के ऊपर जब आप लोग पेश लगा देंगे ना, तो ये छोटा वाला कू की मात्रा में बदल जाएगा, ठीक। तो ये काफ के ऊपर पेश जुड़कर ये छोटा वाला कू हो गया। और उसके बाद से अगला अक्षर क्या है, माँ। माँ को उर्दू में मीम कहते हैं, मीम से तो माँ हो गया। माँ बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। उसके बाद से लास्ट वाला अक्षर है र, र को उर्दू में रे कहते हैं। अब देखिए इन सब को जोड़िए, आप लोग जानते हैं काफ का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये देखिए काफ से तो क हो गया। उसके बाद से कू बनाने के लिए जो पेश है ऊपर ले जाकर जोड़ दीजिए, तो काफ के ऊपर पेश जुड़कर कू हो गया। उसके बाद से मीम का ये बिंदु वाला आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, देखिए ऐसे और ऐसे, ठीक। मीम से माँ हो गया, माँ बनाने के लिए जो अलिफ है ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक। तो मीम अलिफ जुड़कर माँ, और ये रे ले जाकर चिपका दीजिए। तो देखिए काफ के ऊपर पेश जुड़कर कू हो गया, मीम अलिफ जुड़कर माँ और रे से रा, कुमार। कितना आसानी से उर्दू में लिखा गया कुमार। बस ये जो पेश है ऊपर वाला ये लिखना नहीं है, मिटा देना है, मन में मानना है, ठीक। आगे बढ़िए, अगला शब्द है कुमारी। कुमार तो हो गया, अब कुमारी को कैसे लिखेंगे, जिस तरह कुमार लिखे उसी तरह कुमारी भी लिखेंगे, बस लास्ट में री आ जा रहा है ना, यहाँ पर र आ रहा था, यहाँ पर री आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कू है, का को उर्दू में क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। कू बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा, तो छोटा वाला ऊ की मात्रा है। तो जब छोटा वाला ऊ की मात्रा में बदलना रहता है तो हम लोग उस अक्षर के ऊपर क्या करते हैं, सिर्फ पेश जोड़ देते हैं। तो काफ के ऊपर क्या कर देंगे, पेश जोड़ देंगे। तो काफ के ऊपर पेश जुड़ कर ये हो गया आप लोग का छोटा वाला कू। उसके बाद से माँ है, माँ को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं। माँ बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। री है, र को उर्दू में रे कहते हैं। अब देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ी वाली ई की मात्रा है। तो जब बड़ी वाली ई की मात्रा में किसी भी अक्षर को बदलना होता है ना, तो हम उस अक्षर में छोटी ये जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इस रे से तो र हो गया, लेकिन इसको बड़ी वाली री की मात्रा में बदलना है, तो इस रे में छोटी ये ऐसे जोड़ देंगे, तो ये बड़ी वाली री की मात्रा में बदल जाएगा। अब देखिए सबको जोड़िए, काफ का आप जानते हैं आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया आप लोग का काफ से क,
कु बनाने के लिए काफ के ऊपर ये जो पेश है ये रखे रखिए, तो काफ के ऊपर क्या हो जाएगा, पेश जुड़कर कु हो जाएगा। उसके बाद से मीम का आप लोग जानते हैं, बिंदु वाला आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया मीम से माँ। माँ बनाने के लिए जो अलिफ है मीम में ले जाकर जोड़ दीजिए, रे है ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए, और छोटी देखिए ये हो गया आप लोग का कुमार। अब कुमारी बनाने के लिए जो छोटी ये है रे में ले जाकर जोड़ेंगे, तभी तो रे में छोटी ये जुड़कर री हो जाएगी, तो री। ठीक है, तो काफ के ऊपर पेश जुड़कर कु, मीम में अलिफ जुड़कर माँ, और रे में ये जुड़कर री, कुमारी, कुमारी। बस ये आप लोगों को पेश लिखना नहीं है, दिखाना नहीं है, मन में मानना है। ठीक, आगे बढ़िए। खातून, खातून हम लोग मुस्लिम धर्म के लोग लगाते हैं, जैसे कि मुस्कान खातून, नेहा खातून वगैरह वगैरह, बहुत सारा नाम होता है। तो खातून कैसे लिखेंगे, ख को उर्दू में क्या कहते हैं, खे कहते हैं। तो ये देखिए खे से तो ख हो गया, ख बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे प्लस तू है, त को उर्दू में ते कहते हैं, और यहाँ पर देखिए कौन सा वाला तू है, तो बड़ा वाला तू है। तो जब बड़ा वाला तू रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के ऊपर पेश तो लगाते ही लगाते हैं, उसके साथ साथ वाव भी लगाते हैं, और उसके बाद से लास्ट वाला अक्षर क्या है, नून है, मतलब ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं, तो नून लिख दीजिए। ठीक, अब इन सबको जोड़ दीजिए। आप लोग जानते हैं खे का आधा भाग उठाया जाता है, इतना तो उठा लीजिए। ये देखिए खे से ख हो गया, खा बनाने के लिए जो अलिफ है खे में ले जाकर जोड़ दीजिए, खे में ले जुड़कर खा हो गया। अब ते का आधा भाग उठा लीजिए, ते का आधा भाग उठा लिए, और ते के ऊपर पेस्ट तो लगा है तो आप लगा दीजिए, और पेस्ट तो लग गया, अब वाव तो जोड़ना पड़ेगा ना बड़ा वाला तू बनाने के लिए, तो यहाँ पर ते में ये जो वाव है ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। तो ते में वाव और पेस्ट जुड़कर तू हो गया, बड़ा वाला तू, और उसके बाद से ये जो ना है नून ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए। ठीक, तो देखिए खे में अलिफ जुड़कर खा, ते में वाव और पेश जुड़कर तू, और नून से ना, खातून, खातून। ठीक, खातून देखिए कितना आसानी से लिखा गया, ये पेश ऊपर का मैं मिटा दी, नहीं लिखा जाता है। ठीक, आगे बढ़िए। ज़रूर, ज़रूर में सबसे पहला अक्षर क्या है, ज, और वो भी नहीं तो नीचे बिंदु वाला ज, याद रखिएगा। तो जब नीचे बिंदु वाला ज रहता है ना तो उसको ज़ुआद से ज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ज़ुआद से ज हो गया, उसके बाद से रू है, रू को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। अब यहाँ पर रू है तो देखिए कौन सा वाला ऊ है, तो यहाँ पर बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो जब बड़ा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम उस अक्षर के ऊपर पेश भी लगाते हैं और वाव भी जोड़ते हैं, और उसके बाद से फिर लास्ट वाला अक्षर क्या है, रू, रू को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए। ज़ुआद का आप लोग जानते हैं ये आधा भाग उठाया जाता है, बस इतना तो उठा लीजिए। ठीक, ये उठा लिए, ज़ुआद से ज हो गया। अब ये जो रे है इसी ज में ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे। ठीक, अब रे के ऊपर पेश है तो पेश तो रहेगा ही, और वाव जो है ना इसी रे में जोड़ देना है ऐसे। तो देखिए रे ज़ुआद से तो ज हो गया, रे में वाव और पेश जुड़कर रू, और रे से रा, तो ज़रूर, बस ये पेश हटा देना है। देखिए ज रू रा, ज़रूर। आगे बढ़िए। सूरत, सूरत में सबसे पहला अक्षर क्या है, सू, सौ को उर्दू में स्वाद कहते हैं, सीन से भी सौ होता है लेकिन यहाँ पर स्वाद का यूज़ करेंगे, स्वाद से सौ, लेकिन यहाँ पर क्या है, सू है, बड़ा वाला सू है, तो उसके ऊपर पेश लगा दीजिए और वाव भी जोड़ दीजिए। ठीक, वाव जोड़ दिए, स्वाद में वाव और पेश जुड़कर सू हो जाएगा, बड़ा वाला सू, उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे कहते हैं, प्लस त है, त को उर्दू में ते कहते हैं। एक मिनट अच्छा से लिख दूँ, ये हो गया आप लोगों का ते। ठीक, अब इन सबको जोड़ दीजिए। स्वाद का आप लोग जानते हैं ये आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। ये देखिए स्वाद से हो गया आप लोगों का सौ, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को सू बनाना है, यानी कि स्वाद के ऊपर पेश रहेगा, तो सू हो गया। उसके बाद से ये बड़ा वाला सू है ना, तो वाव भी जोड़ना पड़ेगा, वाव, स्वाद में वाव और पेश जुड़कर बड़ा वाला सू हो गया। उसके बाद से ये जो र है रे ले जाकर चिपका दीजिए, और ते भी ले जाकर चिपका दीजिए। तो देखिए सू र त, सूरत, सूरत ऐसे लिखा जाता है, बस ऊपर का पेश मिटा देना है। ठीक, आगे बढ़िए। सुबह, सुबह में सबसे पहला अक्षर क्या है, सू, सौ को उर्दू में क्या कहते हैं, स्वाद कहते हैं, और यहाँ पर देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो स्वाद के ऊपर आप सिर्फ पेश लगा दीजिए, बस ये छोटा वाला ऊ की मात्रा में बदल गया, स्वाद के ऊपर पेश लगा देंगे, सू हो गया। उसके बाद से ब, ब को उर्दू में बे कहते हैं, उसके बाद से ह है, ह को उर्दू में हे कहते हैं, ये लिख दीजिए। ठीक, अब इन सबको जोड़ दीजिए। स्वाद का आप लोग जानते हैं आधा वाला भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। ये देखिए ये हो गया आप लोग का स्वाद से सौ, लेकिन सू बनाना है तो स्वाद के ऊपर पेश जोड़ देंगे, ये हो गया स्वाद के ऊपर पेश जोड़कर ये क्या हो गया, छोटा वाला सू, और उसके बाद से ये जो बे है, बे का आधा भाग उठाइए और इसी स्वाद में लाकर ऐसे जोड़ दीजिए। तो ये देखिए बे से ब हो गया। अब ये जो हे है इसी बे में ऐसे लाकर ऐसे जोड़ दीजिए। तो देखिए स्वाद में पेश जुड़कर सू, बे से ब, और हे से ह, सुबह। ठीक,
आगे बढ़िए, गुलाब। गुलाब कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहला अक्षर क्या है? गू। गौ को उर्दू में गाफ कहते हैं, गाफ लिख दीजिए। छोटा वाला ऊ की मात्रा है तो गाफ के ऊपर सिर्फ पेश लगा दीजिए, गू हो गया। उसके बाद से ला है, ला को उर्दू में लाम कहते हैं। उसके बाद से ला बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। उसके बाद से ब है, ब को उर्दू में बे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए गाफ का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया। ये जो सीधा वाला भाग है अब यहाँ पर ऐसे गोल हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आप लोगों का गाफ से ग, लेकिन गू बनाना है ना तो ऊपर पेश जोड़ दीजिए। तो गाफ के ऊपर पेश जुड़कर गू हो गया। लाम का ये आधा भाग उठा लीजिए और इसी में लाकर ऐसे जोड़ दीजिए। ये हो गया आप लोगों का लाम से ल। ला बनाने के लिए जो अलिफ है इसी लाम में ऐसे जोड़ दीजिए। तो गाफ के ऊपर पेश जुड़कर गू, लाम में अलिफ जुड़कर ला, गू ला। और ये जो बे है, बे से ब ऐसे ला कर चिपका दीजिए। देखिए गू ला ब, गुलाब, कितना आसानी से। अब ये पेश हटा दीजिए, दिखाना नहीं, आगे बढ़िए। ऊपर, ऊपर में सबसे पहला अक्षर क्या है? ऊ। और वो भी नहीं तो कौन सा वाला ऊ है? ये बड़ा वाला ऊ है। तो जब बड़ा वाला ऊ रहता है इसको कैसे लिखते हैं? अलिफ के ऊपर पेश लगाते हैं, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा बड़ा वाला ऊ। उसके बाद क्या है? पौ। पौ को उर्दू में क्या कहते हैं? पे कहते हैं, पे लिख दीजिए। उसके बाद से र है, र को उर्दू में दे कहते हैं। देखिए कितना आसानी से लिखाएगा। अलिफ के ऊपर पेश लगा ही है और उसके बाद से वाव जोड़ दीजिए। अलिफ में वाव और पेश जुड़कर बड़ा वाला ऊ हो गया। उसके बाद से पे का आधा भाग उठा लीजिए, उठा लिए पे का आधा भाग। और ये जो रे है इसे लाकर जोड़ दीजिए, प मेरा, ठीक। तो प मेरा जुड़कर पर, ऊ पर, ऊपर, सिंपल। आगे बढ़िए। बदबू। बदबू में सबसे पहला अक्षर क्या है? ब। ब को उर्दू में बे कहते हैं, ब हो गया। उसके बाद द है, द को उर्दू में दाल कहते हैं। बू है, ब को उर्दू में बे। और बू बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है? तो यहाँ पर बड़ा वाला ऊ की मात्रा है तो इस बे में पेश तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ेंगे। तो बड़ा वाला बू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बे का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, बे से तो बा हो गया। दाल को भी इसी बे में ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, बे में दाल जोड़कर बद हो गया। अब ये देखिए बे का आधा भाग फिर उठाइए और इसके ऊपर तो पेश है ही है, अब ये जो वाव है ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। तो देखिए बद और बे में वाव और पेश जुड़कर बू, बद बू, बद बू। आगे बढ़िए। नाखून। नाखून में सबसे पहला अक्षर क्या है? ना। ना को उर्दू में क्या कहते हैं? नून कहते हैं। ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। उसके बाद से खू है, ख को उर्दू में खे कहते हैं। और देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है? तो यहाँ पर खू में बड़ा वाला ऊ की मात्रा है तो खे के ऊपर पेश तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ेंगे। उसके बाद से नौ है, नौ को उर्दू में नून कहते हैं। अब इन सबको जोड़िए। देखिए नून का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया। नून से ना, ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए, ये वाला अलिफ। उसके बाद से खे है, खे का आधा भाग उठा लीजिए, उसके ऊपर तो पेश है ही है, ये जो है खे इसके ऊपर पेश है, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ दीजिए, ठीक। तो खे में वाव और पेश जुड़कर खू हो गया और नून से ना, तो ना, नून में अलिफ जुड़कर ना, खे में वाव और पेश जुड़कर खू और नून से ना, ना खून, ना नाखून। अब ये जो पेश है ये मिटा दिया जाता है, ठीक। तो नाखून लिखा गया। आगे बढ़िए। साबुन। साबुन में सबसे पहला अक्षर क्या है? सा। सौ को उर्दू में क्या कहते हैं? सीन कहते हैं। सीन से सौ हो गया, सा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। उसके बाद से बू है, ब को उर्दू में क्या कहते हैं? बे कहते हैं। अब देखिए बड़ा वाला बू है ना, बड़ा वाला ऊ की मात्रा है तो बे के ऊपर पेस्ट लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ेंगे। उसके बाद से ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं, ठीक। अब इन सबको जोड़ दीजिए, एक मिनट। सीन का आप लोग जानते हैं ये आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया आप लोग का। सीन से सौ, सा बनाने के लिए जो अलिफ है सीन में ऐसे जोड़ दीजिए। तो सीन में अलिफ जुड़कर सा हो गया। बे का आधा भाग उठा लीजिए, बे का आधा भाग उठा लीजिए, उसके ऊपर पेश तो है ही है, उसके बाद ये जो वाव है ऐसे जोड़ दीजिए और नून से ना, ठीक है। तो ये पेश नहीं लिखा जाता है, मिटा दीजिए। देखिए सीन में अलिफ जुड़कर सा, बे में वाव और पेश जुड़कर बू और नून से ना, सा बू ना, साबुन, ठीक। आगे बढ़िए। कानून। कानून का के नीचे बिंदु रहेगा ऐसे, ठीक। तो इस क को उर्दू में क्या कहते हैं? क को उर्दू में काफ कहते हैं, नीचे बिंदु वाला क है ना तो इसको ये वाला काफ कहते हैं, ठीक। और काफ से तो क हो गया, क बनाने के लिए काफ में अलिफ जोड़ेंगे। उसके बाद से नू है, नू को उर्दू में नून कहते हैं। अब देखिए नू है तो कौन सा वाला ऊ की मात्रा है? बड़ा वाला ऊ की मात्रा है तो जब बड़ा वाला ऊ की मात्रा तो ऊपर पेश लगाएंगे, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ेंगे। तो नून में वाव और पेश जुड़कर बड़ा वाला नू हो जाएगा। उसके बाद से फिर ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं। अब देखिए इन सबको जोड़िए। काफ का ये आधा भाग उठाया जाता है, बस इतना ही गोल वाला भाग उठा लीजिए। देखिए काफ से क हो गया,
अब काफ में इसी अलिफ को ले जाकर जोड़ दीजिए, तो काफ में अलिफ जो का हो गया, उसके बाद से नून का आधा भाग उठा लीजिए, नून के ऊपर तो पेश है ही है, और बस इसी नून में वाव जोड़ देना है, ये नून में वाव और पेश जुड़कर नू हो गया, उसके बाद से ये जो ना है ले जाकर चिपका दीजिए, तो का नू ना कानून, बस ये पेश मिटा देना है। ठीक, आगे बढ़िए। पालतू, पालतू में सबसे पहला अक्षर क्या है, पा, पा को उर्दू में कहते हैं पे, पे से प हो गया, पा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए, ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं, तू बनाने के लिए ते लिख दिए, और देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो ते के ऊपर पेश लगाइए, उसके साथ साथ वाव भी जोड़िए। अब देखिए पे का आधा भाग उठा लेना है, ऐसे पे का आधा भाग उठा लिए, और पे से तो प हो गया, बट प बनाने के लिए जो अलिफ है ले जाकर जोड़ दीजिए पे में, उसके बाद से लाम का आधा भाग उठाइए, लाम का आधा भाग उठा लिए, और ते का ये आधा भाग उठा लीजिए, उठा लिए, ते के ऊपर तो पेश है ही है ये वाला पेश, और उसके बाद से ये जो वाव है ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो ते में वाव और पेश जुड़कर तू हो जाएगा। तो देखिए पे में अलिफ जुड़कर पा, लाम से ला पाल, और ते में वाव और पेश जुड़कर तू, तो पालतू, पालतू लिखा गया आराम से। सबूत, सबूत में सबसे पहला अक्षर क्या है, स, स को उर्दू में क्या कहते हैं, से कहते हैं, सीन से भी स होता है लेकिन यहाँ पर से का यूज़ होगा। ठीक है, तो से स हो गया, उसके बाद से बू है, ब को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं, बू बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो बे के ऊपर पेश तो लगाएंगे, उसके साथ साथ वाव जोड़ेंगे, त है, त को उर्दू में ते कहते हैं, तो यहाँ पर ते लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए से का आधा भाग ऐसे उठा लीजिए, उठा लिए यहाँ पर, से तो स हो गया, उसके बाद से ये जो बू है, बे का आधा भाग उठाइए, सबसे पहले बे का आधा भाग उठा लिए, इसके ऊपर तो पेश है ही है, बे के ऊपर तो पेश है ही है, बस ये जो वाव है इसी बे में ले जाकर ऐसे जोड़ देना है, और ते ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए। तो देखिए से स, बे में वाव और पेश जुड़कर बू, और ते से त, सबूत। आगे बढ़िए चूरन, चूरन में सबसे पहला अक्षर क्या है, चू, चौ को उर्दू में चे कहते हैं, चे से च हो गया, चू बनाने के लिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो ऊपर पेश जोड़ेंगे, उसके साथ साथ वाव जोड़ेंगे, र है, र को उर्दू में रे कहते हैं, प्लस न है, न को उर्दू में नून कहते हैं, अब इन सबको जोड़ दीजिए। चे का आप लोग जानते हैं आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, चे का आधा भाग उठा लिए, चे के ऊपर तो पेश है ही है, ये वाला पेश ऊपर है ही है, उसके साथ साथ वाव जोड़ देंगे चे में, तो चे में वाव और पेश जुड़कर चू हो गया, उसके बाद से ये जो र है ले जाकर चिपका दीजिए, और इस नून को भी ले जाकर चिपका दीजिए, तो चू हो गया और रन, चूरन, सिंपल। आगे बढ़िए डमरू, डमरू में सबसे पहला अक्षर क्या है, ड, ड को उर्दू में डाल कहते हैं, ऐसे लिखा जाता है, डाल से ड हो गया, म है, म को उर्दू में मीम कहते हैं, उसके बाद से रू है, र को उर्दू में रे कहते हैं, कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो रे के ऊपर ऊपर पेश तो जोड़ेंगे, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ेंगे। अब देखिए ये जो ड है, डाल, इस तरह लिख दीजिए, डाल से ड हो गया, उसके बाद से मीम का ये बिंदु वाला भाग उठा लीजिए, आधा भाग ये हो गया आप लोगों का मीम से म, और उसके बाद से ये जो रे है इसी मीम में ऐसे जोड़ दीजिए, और रे के ऊपर तो पेश है ही है, यहाँ पर बस ये जो वाव है रे में ऐसे जोड़ दीजिए, तो रे में वाव और पेश जुड़कर रू, डाल से ड, मीम से म, डम, और रे में वाव और पेश जुड़कर रू, डम रू, डम रू। आगे बढ़िए जुगनू, जुगनू में सबसे पहला अक्षर क्या है, जू, ज को उर्दू में जिम कहते हैं, जिम से ज हो गया, जू है, तो देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो जब छोटा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम उस अक्षर के ऊपर सिर्फ पेश जोड़ देते हैं, तो वो छोटा वाला ऊ की मात्रा में बदल जाता है, तो जिम के ऊपर पेश जोड़ दिए तो जू हो गया, छोटा वाला जू। फिर अगला अक्षर क्या है, ग, ग को उर्दू में गाफ कहते हैं, उसके बाद से नू है, न को उर्दू में नून कहते हैं, देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो नून के ऊपर पेश तो लगाएंगे, उसके साथ वाव भी जोड़ेंगे। अब देखिए जिम का ये आधा भाग उठा लीजिए, उठा लिए, जिम से ज हो गया, इसके ऊपर पेश तो ही है, पेश यानी कि जिम के ऊपर पेश है यानी कि जू हो गया, और उसके बाद से ये जो गाफ है इसका आधा भाग उठा लीजिए इतना, तो गाफ का ये आधा भाग उठा लिए, ये इतना भाग, तो गाफ से ग, देखिए जिम के ऊपर ऑलरेडी पेश है, जिम के ऊपर पेश है तो जू है, और गाफ से ग, जुग हो गया। अब नू, नू, ये जो नून है इसका आधा भाग उठा लीजिए यहाँ पर ऐसे, ये हो गया नून, नून के ऊपर तो यहाँ पर पेश है ही है, नून के ऊपर पेश है ही है, बस ये जो वाव है इसी नून में ले जाकर जोड़ देना है। तो देखिए जिम के ऊपर पेश है तो जू, गाफ से ग, जुग, और नून में वाव और पेश जुड़कर नू, तो जुगनू। ठीक, आगे बढ़िए दातून, दातून में सबसे पहला अक्षर क्या है, दा, द को उर्दू में दाल कहते हैं, दा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे, तू है, त को उर्दू में ते कहते हैं, और तू बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो ते के ऊपर पेश जोड़ेंगे, उसके साथ साथ वाव जोड़ेंगे, उसके बाद से न है, न को उर्दू में नून कहते हैं, अब इन सबको जोड़िए। देखिए दाल में अलिफ जुड़कर दा बना दीजिए, हो गया, और उस ते, ये जो ते है ते का आधा भाग उठाइए,
ते का आधा भाग उठा लिए, ते के ऊपर तो पेश है ही है, बस ये जो वाव है ते में ऐसे जोड़ देना है। तो ते में वाव और पेश जुड़ कर तू और नून से ना। तो देखिए दा तू ना दातून। आगे बढ़िए गुलाम। गुलाम में सबसे पहला अक्षर देखिए ग के नीचे बिंदु रहेगा, ठीक है। और इस ग के नीचे बिंदु वाले, जब ग के नीचे बिंदु रहता है ना, तो इस ग को उर्दू में कहते हैं गैन। क्या कहते हैं? गैन। तो गैन से तो ग हो गया, गु बनाना है तो गु में देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो इस गैन के ऊपर सिर्फ पेश ऐसे दे देंगे, हो गया बात ख़त्म। एक मिनट अच्छा से लिख दूँ। देखिए ये हो गया आप लोगों का गैन, और गैन के ऊपर पेश दे देंगे तो ये हो गया आप लोग का गु। और उसके बाद से ला है, ला को उर्दू में लाम कहते हैं, ला बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। उसके बाद से मौ है, मौ को उर्दू में मीम कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए। गैन का इतना ही भाग उठाया जाता है, आधा भाग उठा लीजिए। ये देखिए गैन के ऊपर तो पेश ही है, तो ये तो गु है, हो गया। उसके बाद से ला है, ला को उर्दू में क्या, ला का आधा भाग उठा लीजिए, ला को आधा भाग उठा लिए। ला बनाने के लिए जो अलिफ है इसी लाम में जोड़ दीजिए ऐसे, और मीम से मौ। तो देखिए गैन के ऊपर तो पेश ही है, तो गु और ला में अलिफ जुड़ कर ला, गु ला और मीम से मौ, गुलाम। ठीक, आगे बढ़िए पुकार। पुकार में सबसे पहला अक्षर क्या है? पू। प को उर्दू में पे कहते हैं। पू बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा, तो छोटा वाला ऊ की मात्रा, तो सिर्फ पेश के पे के ऊपर क्या कर देंगे, पेश लगा देंगे, तो ये पू हो गया। उसके बाद से का है, का को उर्दू में काफ कहते हैं, और का बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए। पे का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। ये हो गया आप लोगों का पे। पे के ऊपर तो पेश ही है, तो पू हो गया। उसके बाद से काफ का आधा भाग उठा लीजिए। ये जो सीधा वाला भाग है यहाँ पर गोल हो जाएगा ऐसे, ठीक, ये ऐसे फिर ये ऐसे, ठीक। काफ से क हो गया, का बनाने के लिए जो अलिफ है इसी काफ में ऐसे जुड़ जाएगा। तो पे के ऊपर तो पेश है, पे के ऊपर पेश है, तो पू, काफ में अलिफ जुड़कर का और रे से रा, पुकार। आगे बढ़िए जामुन। जामुन में सबसे पहला अक्षर क्या है? जा। जा को उर्दू में जिम कहते हैं। जा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। मुँह है, मा को उर्दू में क्या कहते हैं? मीम कहते हैं। मुँह बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो मीम के ऊपर सिर्फ पेश जोड़ देंगे, मुँह हो जाएगा। उसके बाद से ना है, ना को उर्दू में क्या कहते हैं? नून कहते हैं। अब देखिए जे का, जिम का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, और इसको जा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। जिम में अलिफ जोड़ कर जा हो गया। मीम का ये बिंदु वाला भाग उठाइए, ठीक, और मीम के ऊपर क्या है? पेश तो है ही है, यानी कि मुंह, और उसके बाद से ये जो नून है ऐसे जोड़ दीजिए, बात ख़त्म। तो जिम में अलिफ जुड़ कर जा, मीम के ऊपर पेश तो है, तो ये क्या हो गया? मुंह और नून से ना, जामुन, जामुन। आगे बढ़िए झुमका। झुमका में सबसे पहला अक्षर क्या है? झू। झ को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिए, ये हो गया आप लोगों का झ। झू बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो झ के ऊपर क्या कर देंगे, सिर्फ पेश लगा देंगे, तो झू हो गया। उसके बाद से म है, म को उर्दू में मीम कहते हैं। उसके बाद से का है, क को उर्दू में काफ कहते हैं। का बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। अब देखिए जिस तरह झ लिखा है उसी तरह लिख दीजिए। ये हो गया आप लोगों का झ, और उसके ऊपर पेश है तो झू, ठीक। झ के ऊपर क्या है? पेश है, तो झू हो गया। उसके बाद से मीम, मीम का ये बिंदु वाला भाग इसी झ में ऐसे लाकर ऐसे जोड़ दीजिए। झ के ऊपर पेश है तो झू और मीम से मौ, झूम हो गया। अब देखिए काफ का ये आधा भाग उठा लीजिए, और ये जो सीधा वाला भाग है यहाँ पर ऐसे गोल हो जाएगा, और काफ में अलिफ जोड़ दीजिए ये वाला, तो का, तो झू और मीम से मौ, झूम, और काफ में अलिफ जोड़ कर का, झूम का। आगे बढ़िए कुर्ता। कुर्ता में सबसे पहला अक्षर क्या है? कु। क को उर्दू में काफ कहते हैं। कौन सा वाला ऊ की मात्रा है? तो छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो काफ के ऊपर पेश लगाएंगे। उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। और उसके बाद से ता है, तो उर्दू में ते कहते हैं। ता बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। काफ का ये आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। काफ के ऊपर पेश तो है ही है, यानी कि कु, और रे से र, ये जो रे है इसी काफ में ले जाकर जोड़ दीजिए। तो काफ के ऊपर पेश तो ऑलरेडी है, कु और रे से र, कुर हो गया। और ते का आधा भाग उठा लीजिए, और इसी ते में अलिफ जोड़ दीजिए, ता हो जाएगा, तो कुर और ता, कुर्ता। आगे बढ़िए मूरत। मूरत में सबसे पहला अक्षर मुँह। मौ को उर्दू में क्या कहते हैं? मीम कहते हैं। मुँह बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा, तो बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो मीम के ऊपर पेश लगाएंगे, उसके साथ साथ वाव जोड़ेंगे। उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे, और उसके बाद से अगला अक्षर लास्ट वाला तो, तो को उर्दू में ते कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए। मीम का ये बिंदु वाला भाग उठाइए, उठा लिए। मीम के ऊपर तो पेश है ही है, बस ये जो वाव है मीम में ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो मीम में वाव और पेश जुड़कर मुँह हो गया, और रे ये जो है ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए, और ते भी ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए। तो देखिए मुँह, र और ता, मूरत, ठीक।
तो इस तरह लिखा जाता है मूरत। तो इतने सारे तीन अक्षर से मिलकर बने ऊ मात्रा वाले शब्दों को हम लोग उर्दू में लिखना और पढ़ना सीख गए। अभी ये कुछ ही शब्द थे, आप चाहे तो इस तरह के हज़ारों शब्द क्रिएट कर सकते हैं और ख़ुद से भी उसको उर्दू में लिख पढ़ सकते हैं। तो अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों को तीन अक्षर से मिलकर बने ऊ मात्रा वाले 10 शब्द सबसे पहले कॉपी पर लिख लेना है। जिस तरह मैं आप लोगों को सबसे पहले हिंदी में लिख दी थी, उसी तरह आप लोगों को तीन अक्षर से मिलकर बने ऊ मात्रा वाले शब्द ही 10 शब्द आप लोगों को सबसे पहले हिंदी में लिख लेना है और फिर आप लोगों को उसको उर्दू में चेंज करना है, उर्दू में लिखने की कोशिश करना है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को 10 शब्द खुद से क्रिएट करना है और ख़ुद से उसको उर्दू में भी लिखना है और पढ़ना भी है। और कहीं पर भी देखिए उर्दू में लिखा हुआ उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। इस तरह जब आप लोग करेंगे तो बहुत जल्द आप लोग उर्दू सीख जाएंगे। ठीक, तो चलिए, कोई भी कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई समझ में आया, तो अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल तब शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए फटाफट, और बेल आइकन दबाकर यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।